यदि आप भी बनाना चाहते हैं सॉफ्ट और जूसी गुलाब जामुन तो देखिए इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, पार्टीज के जरिए आपका स्वागत है। मैं भारती पाटनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एकदम परफेक्ट जूसी और सॉफ्ट गुलाब जामुन की रेसिपी। तो आइए देख लेते हैं इसमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और ये कैसे बनेंगे। आज हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट मेजरमेंट से और एकदम सॉफ्ट रसीले गुलाब जामुन। इसके लिए हम सबसे पहले बना लेते हैं चाशनी। तो एक बर्तन में मैं डाल देती हूँ ये एक प्याला चीनी और इससे आधा मैं डाल रही हूँ पानी। चीनी के घुल जाने तक हम इसे पकाते हैं। चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है और बस करीब 2 मिनट हमें इसे और पकाना है। एकदम चिपचिपी चाशनी चाहिए, कोई भी तार हमें इसका नहीं लेना है। और इसमें क्रिस्टल नहीं आए इसलिए हम इसमें करीब आधा नींबू निचोड़ देते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे। और इसमें कुछ गंदगी हो तो वो भी इस नींबू से क्लीन हो जाती है। आप चाहें तो इसको छान भी लें। और डाल देती हूँ 2 इलायची। अच्छा फ्लेवर के लिए मैंने इसको थोड़ा सा कूट के डाल दिया है साबुत इलायची। और डाल देंगे थोड़ी सी केसर के धागे भी, इसको फ्लेवर देगा और कलर भी देगा, बहुत अच्छा कलर देगा और बहुत अच्छा फ्लेवर भी देगा। बस चाशनी को पकते हुए हमारे 2 मिनट और हो गए हैं चीनी घुलने के बाद। गैस को बंद कर देते हैं और इसको हल्की गुनगुनी होने पर हम इसको काम में लेंगे। चाशनी हमने बनाकर तैयार कर ली है और ये मावा मैंने लिया है, ये मैंने घर में बनाया है। और पनीर भी मैं घर में बनाया हुआ ले रही हूँ। करीब 100 ग्राम ये मावा है और थोड़ा सा पनीर है। इन दोनों को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी अपने इस हाथ के इस वाले हिस्से से। अच्छे से मैश करना है, एकदम सॉफ्ट हो जाए इस तरीके से मैश करना है। इसी तरीके से पनीर को भी कर लेंगे। पनीर में से मैंने अच्छे से पानी निकाल लिया है, मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से हम इसको एकदम सॉफ्ट बना लेंगे हथेली की सहायता से। अब पनीर की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं और आप बाज़ार से लाके मावा और पनीर फिर भी आप गुलाब जामुन बना सकते हैं। एकदम इस तरीके से स्मूथ बना लेंगे। करीब 4-5 मिनट तक आप इसको इस तरीके से मसलते रहिए, एकदम सॉफ्ट बन जाएगा। इसका रीज़न ये है कि जितना हमारा ये मावा और पनीर सॉफ्ट होगा हमारे गुलाब जामुन भी उतने ही सॉफ्ट बनेंगे, फटेंगे नहीं कढ़ाई में। और इस समय पे हम थोड़ा सा डाल लेते हैं इसमें मैदा, करीब 2 चम्मच। धीरे धीरे करके हम इसमें मैदा डाल रहे हैं और इसको भी इसके साथ ही मसल लेंगे। जितनी आवश्यकता होगी 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा हमें इसमें मैदा नहीं डालनी। मसल मसल के हमने इस आटे को एकदम चिकना बना लिया है। देखिए बिल्कुल भी थाली पे नहीं लग रहा है और मेरे हाथ पर भी ये बिल्कुल नहीं लग रहा है। इसी तरीके का डो हमें इसका लगाना है। अब इसके बराबर की गोलियाँ बना लेंगे और बराबर के गुलाब जामुन बना लेंगे। करीब मैं नींबू के साइज़ का बनाऊँगी, आप छोटा बड़े कैसे भी बना सकते हैं। इसमें से एक पोर्शन निकालेंगे और इसके इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स कर लेंगे। इस तरीके से 7 से 8 गुलाब जामुन हम इसके बनाएंगे। पहले छोटी छोटी गोलियां ही बनानी है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं क्योंकि ये अभी चाशनी में जाके फूलेंगे। इस तरीके से मैंने 8 गोलियां बना ली है। इसको तैयार करते हैं। इस तरीके से हाथ से अच्छे से
प्रेस करते हुए हम इसकी गोली बनाएंगे और इसको इस तरीके से बीच में स्पेस देकर हम इसमें डालेंगे ये बादाम और पिस्ता की मैंने कतरन बना ली है, थोड़ी थोड़ी सी हम ये डालेंगे और एक डालेंगे हम मिश्री का टुकड़ा। ये इसमें अंदर से सॉफ्ट बनाएगा इसको और अंदर से भी एकदम रसीला बनाएगा। आप इसकी जगह पताशे डाल सकते हैं या करकल जो आती है हमारी चीनी की जो करकल आती है वो भी डाल सकते हैं। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, एकदम स्मूथ बना लेंगे इस तरीके से। सारे गुलाब जामुन की गोलियां हमने बनाकर तैयार कर ली है, एकदम स्मूथ बनाई है, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। और इधर हमने घी गरम होने रख दिया है, घी हमारा गरम हो गया है। इसमें एक छोटी सी हम गोली डालकर देख लेंगे, एकदम तेज़ी से ये ऊपर नहीं आ रही है, धीरे धीरे करके आ रही है। ऐसा ही घी हमें गरम चाहिए, बहुत तेज़ होगा तो हमारे गुलाब जामुन हैं वो बाहर से सिक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये इस तरीके से हम चेक कर लेंगे और ये हमने ये भी चेक कर लिया है कि ये देखिए ये जो गोली है हमारी फट नहीं रही है। इस घी को इस तरीके से हम हल्का सा चम्मच से हिलाएंगे और एक एक करके इसमें गुलाब जामुन डालते जाएंगे। अब इसको गैस को सिम करनी है और इसको इस तरीके से चारों तरफ से चम्मच को घुमाना है। गुलाब जामुन पर चम्मच नहीं डालनी है, साइडों में चम्मच डालनी है जिससे कि चारों तरफ से हमारे गुलाब जामुन अच्छे से सिक जाएं। या फिर आप कढ़ाई को दोनों तरफ से पकड़ के इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से घुमा सकते हैं, इस तरीके से भी ये चारों तरफ से सिक जाएंगे। इसे देखिए हमारे गुलाब जामुन चारों तरफ से अच्छे से सिक गए हैं। चम्मच को इस तरीके से चारों ओर चलाना है, चलाते जाना है और ये घूमते जाएंगे इस तरीके से। गैस को मीडियम और सिम रखना है। कढ़ाई में घी हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए लेकिन गुलाब जामुन को सिकने में ज़्यादा घी नहीं लगता। एकदम बहुत सारे गुलाब जामुन भी आप इस कढ़ाई में नहीं डालें, नहीं तो उससे भी फट सकते हैं और इसका टेम्परेचर डाउन हो सकता है। गुलाब जामुन में हमारे अच्छा कलर आ गया है, निकाल लेते हैं इनको इस जार में एक्स्ट्रा घी निकालते हुए और सीधा हम इसे हल्की गर्म चाशनी में डालेंगे। डाल देती हूँ हल्की गर्म चाशनी में, बाकी के भी इस तरीके से तैयार कर लेंगे। देखिए एकदम सॉफ्ट और जूसी हमने गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर दिए हैं। घर का मेरा मावा था और घर का ही मेरा पनीर था, उससे मैंने बनाया। आप चाहें तो बाजार से मावा और पनीर लाकर भी बना सकते हैं। गुलाब जामुन को चाशनी में डिप करके भी रख सकते हैं और आप चाहें तो आधे घंटे के बाद इसको निकाल कर खा भी सकते हैं। मैं बताती हूँ आपको, देखिए एकदम अंदर से कितना जूसी है ये, काट के दिखाती हूँ। एक प्लेट में किस तरीके से सर्व करेंगे, चाशनी हम इसके पूरी तरीके से निकाल देंगे और प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए काट के दिखाती हूँ, एकदम इसमें अंदर तक चाशनी फैल गई है और पूरा अंदर से भी गुई है, एकदम सॉफ्ट और रसीला बना है। आप भी इस तरीके से बनाइए और खुद खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बनाकर देखिए मेरे तरीके से गुलाब जामुन और बताएं अपने अनुभव कि आपको ये कैसे लगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जितना हो सके शेयर कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं जब जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिए। और हाँ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।